हेलो स्टूडेंट्स मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित तो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी एस स्टूडेंट अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही है या जो आई पे यहाँ पे जाके मेरे प्रीवियस रियल क्लासेस की जो वीडियोज़ हैं

है ना देन उस क्लोज इंटरवल के छोटे छोटे हम पार्ट कर दें राइट तो वो पार्टीशन हो जाता फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए हमारे पास ये क्लोज इंटरवल दे रेखा राइट है ना ये हमारे पास कोई क्लोज इंटरवल दे इंटरव्यल तो इसके हमने छोटे छोटे क्या कर दिए पार्ट कर दिया राइट है ना तो ये इसके क्या हो जाएंगे क्लोज इंटरवल के पार्टीशन हो जाएंगे दिस सेट पी इज कॉल्ड अ पार्टीशन ऑफ द इंटरवल ए बी राइट एग्जाम्पल लेते हैं है ना जैसे हमारे पास यहाँ पे दे रखा क्लोज इंटरवल जीरो टू फोर अब जीरो टू फोर हमारे पास ये क्लोज इंटरवल है ये जीरो है और ये फोर है है ना और इसके हमने यहाँ पे पार्ट किए टू थ्री है ना ये हमारे पास वन है ये हमारे पास टू है और ये हमारे पास थ्री है राइट तो ये एक ये हमारे पास जो अलग आएगा है ना ये हमारे पास एक पार्टीशन हो जाएगा ये हमारे पास दूसरा पार्टीशन हो जाएगा ये हमारे पास तीसरा हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा चौथा जाएगा राइट तो इन सब जो होंगे लाइक जीरो पेगा और ये इसके सब इंटरवेल्स हो जाएंगे जीरो क्या होंगे सब इंटरवेल्स होंगे राइट है ना हम पार्टीशन भी ले सकते हैं आपकी इच्छा है कि नहीं सर मेरे को तो पार्टीशन जो है ये जीरो टू फोर पार्टीशन आप ऐसा भी कर सकते हैं कि यहां पर जीरो आ रहा है

अच्छी अगर हमारे पास कोई भी क्लोज इंटरवल है तो उसकी मान लीजिए इसका पार्टीशन है जीरो वन टू थ्री फोर है ना मतलब क्लोज इंटरवल को हमने चार पार्ट में ब्रेक कर दिया राइट तो उसमें जैसे मैंने अभी आपके बताया कि ये हमारे पास क्लोज इंटरवल है ये देखा है जीरो और ये देखा है फोर अब हमने पार्ट में डिवाइड कर दिया वन टू एंड थ्री है ना तो ये जो हमारे पास इंटरवल है, है ना ये हमारे पास क्या आएगा सब इंटरवल आएगा है ना ये जीरो से वन है ना ये हमारे पास जीरो से वन से टू हो जाएगा है ना फिर ये टू से थ्री हो जाएगा तो ये हमारे पास अलग अलग क्या आएंगे सब ये क्लोज होंगे है ना ये सब क्लोज सेट होंगे राइट है ना तो ये हमारे पास क्या होते हैं सब इंटरवेल्स होते हैं ऑफ दिस क्लोज इंटरवल जीरो फोन अब लेंथ ऑफ सब इंटरवल क्या होता है इसमें जो भी हमारे पास जैसे मान लीजिए यहां, यहां, मतलब मतलब यहां, तो तो यहां से यहां तक के सब इंटरवल की लेंथ कितनी होगी वन होगी है ना फोर माइनस थ्री इसकी भी कितनी लेंथ होगी वन होगी थ्री माइनस टू है ना मतलब लेंथ का मतलब होता है इसका डिफरेंस इसकी ये कितनी लेंथ आ रही राइट अगर मैं आपके सामने बोलूँ कि अगर मैंने यहाँ पे सब इंटरवल मान लीजिए क्लोज इंटरवल जीरो जीरो टू फोर है और हमने सब इंटरवल ये ले लिया थ्री वाला है ना तो जीरो से थ्री और थ्री से फोर तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ थ्री होगी और यहाँ से यहाँ तक लेंथ क्या होगी वन होगी तो यहाँ जो सब इंटरवल होगा ये हमारे पास क्या होगा जीरो से थ्री और इसकी लेंथ थ्री होगी और थ्री टू फोर इसकी लेंथ क्या होगी हो राइट तो ये हमारे पास सब सब इंटरवल इंटरवल होगा था का जो लेंथ होता है उसको हम इस तरह से राइटर प्लस वन माइनस एक्स आर मतलब चार में से तीन गया तो दो तो चार माइनस तीन इसकी लेंथ हो जाएगी राइट है ना तो एग्जांपल यहां एक डिफरेंट पार्टीशन है, और है तो इस पार्टीशन में हमारे पास आ, ये जो फर्स्ट पार्टीशन है इसमें जो लेंथ है वो वन वन है और जो हमारे पास सेकंड पार्टीशन है इसमें लेंथ क्या देंगे तो यहाँ पे जो इंटरवल है वो जीरो थ्री है एंड एक इंटरवल थ्री फोर है राइट तो जीरो थ्री की जो थ्री है, है और थ्री फोर की हमारे पास कितनी है? है, है ना? तो इस तरह से यहाँ पे लेंथ ऑफ सब इंटरवेल निकालते हैं क्लियर है क्लेरे? अब आगे बढ़ते हैं इसमें बात करेंगे डार क्या होता है पार्टीशन ऑफ दिस क्लोज इंटरवल ए बी देन यहाँ पे जितने भी हमारे पास सब इंटरवल्स होते हैं है ना उन सब इंटरवल्स ऑफ दिस क्लोज इंटरवल ए बी तो वो जो भी हम यहाँ पे लोअर डार्बोक्सम और अपर डार्बोक्सम के बारे में बात करेंगे तो वो हमेशा उस क्लोज इंटरवल के बारे में बात करेंगे राइट तो जैसे लोअर डार्बोक्सम क्या होता है जो भी हमारे पास क्लोज इंटरवल है उस क्लोज इंटरवल की लेंथ और उसका जो मिनिमा मतलब इन्फिमा है उसके साथ प्रोडक्ट का जो सम होता है वो हमारे पास लोअर डारबॉक्सम होता है तो मैं आपके सामने एक एग्जांपल दूंगा ये कैसे वैल्यू आती है ना अल्टीमेटली इसको हम एल एफ एल पी एफ से डिनोट करते हैं लोअर डारबॉक्सम को हम एल पी एफ से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है जो भी हमारे पास सब इंटरवेल है उसकी लेंथ और उसका जो एनफीमा उसके साथ जो प्रोडक्ट होता है का सम जो होता है वो हमारे पास लोअर डारबॉक्सम के बराबर होता है एग्जाम्पल देखिए आपको क्लियर करूंगा ताकि आपको चीजें समझ में समझवाएं इसमें देखिए यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल देखिए अगर हमारे पास कोई फंक्शन दे रखा एफ एक्सुड एक्स और यहां पे हमारे पास एक क्लोज इंटरवल दे देखा जीरो तो सबसे पहले इस फंक्शन को हम करेंगे तो हम जानते हैं जो होता है ये 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 हमारे पास होता है न, x, है है ना ना टाइप का हो रहा है। इसका ग्राफ ऐसा होता है क्लियर है अब हम बात करते हैं यहां पे एक पार्टीशन लेते हैं ना जीरो थ्री फोर है ना तो इसमें ये जीरो है और ये थ्री है और ये फोर है है ना तो ये हमारे पास पार्टीशन एक पार्टीशन ये हो रहा है और एक पार्टीशन हमारे पास ये हो रहा है ना ये सब इंटरवल हो रहा है मतलब जीरो टू थ्री सब इंटरवेल एंड थ्री टू फोर हमारे पास एक सब इंटरवल है क्लियर है तो आई वन हमारे पास ये हो जाएगा सब इंटरवल और ये हमारे पास आई टू हो जाएगा है ना अब स्विन हमारे पास क्या करना है इसका क्या निकालना हम इसका निकालना है हमारे पास लोअर डार बॉक्सम तो लोअर डार बॉक्सम का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है एस इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे होता है समिशन एम इन टू डेल वन है ना तो अब यहाँ पे हमारे पास दो दो हमारे पास सब इंटरवल आ रहे हैं दो की लेंथ आएगी तो यहाँ पे आएगा एम वन डेल वन है ना प्लस यहाँ पे क्या आएगा स्विन हमारे पास एम टू डेल टू आ जाएगा है ना तो जो फर्स्ट सब इंटरवल है इस फर्स्ट सब इंटरवल का जो हमारे पास मिनिमा मतलब इन्फीमा होगा वो जीरो होगा है ना ठीक है फंक्शन की वैल्यू जीरो होगी यहाँ पे क्लियर है क्योंकि इसका जीरो टू थ्री में इसकी लोड जो वैल्यू होगी वो हमारे पास फंक्शन पे क्या होगी जीरो होगी है ना तो ये जीरो हो जाएगा और इसकी जो लेंथ है वो हमारे पास कितनी three है थ्री है क्लियर है अब बात करेंगे सेकंड वाले इंटरवल में तो सेकंड वाले इंटरवल में जो इसका इन्फीमा होगा वो कितना होगा हमारे पास थ्री होगा है ना ठीक है ये यह यहां से यहां तक की जो लेंथ है ये थ्री है हमारे पास राइट right? एंड इसकी जो इसकी जो लेंथ है वो हमारे पास कितनी है स्टूडेंट फोर में से थ्री गया तो वन है ना तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहां से हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी थ्री आएगी और ये हमारे पास किसके बराबर होता है स्टूडेंट एल पी एफ के बराबर होता है ना दिस इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ लोअर लोअरबोक्सम राइट अगर मैं इसी एग्जाम्पल को ऐसे ले लूँ राइट right? मान लीजिए हम यहाँ पे इसके तीन पार्टीशन कर लेते हैं क्लियर मान लीजिए एक पार्टीशन और हमने ये ले लिया और ये ले लिया टू राइट है ना ये हमने पार्टीशन लिया तो पार्टीशन हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट अगर हमने ये ले लिया राइट तो ये आएगा जीरो वन सॉरी टू एंड थ्री एंड फोर तो सुन यहाँ पे हमारे पास तीन सब इंटरवल आएंगे है ना एक तो आई वन आएगा आई वन क्या आएगा सुइन जीरो से टू आएगा है ना फिर हमारे पास आई टू आएगा क्या आएगा टू टू थ्री आएगा एंड फिर हमारे पास आई थ्री आएगा वो हमारे पास आएगा थ्री टू फोर आएगा राइट ये सब तीनों हमारे पास क्या होगी क्लोज इंटरवल्स होंगे राइट है ना ये हमारे पास क्लोज इंटरवल होंगे क्लियर है अब हम जानते हैं कि उस वाले केस में हमारे पास जो एस की वैल्यू होगी वो क्या होगी सुन एम वन डेल वन प्लस एम टू डेल टू क्योंकि तीन तो आ रहा है तो एम थ्री डेल थ्री हो जाएगा राइट अब बात करते हैं फर्स्ट इंटरवल तो फर्स्ट इंटरव्यल की टू आ रहा है राइट अब सेकंड इंटरवेल सेकंड है तो ये जो होगा क्या होगा इनफीमा होगा राइट तो वाले केस में हमारे पास ये टू हो जाएगा और यहां से आया तक की जो डिफरेंस की वैल्यू कितनी आ रही है वन आ रही है ना प्लस इस वाले केस में ये हमारे पास इन्फीमा हो जाएगा है इन टू इसका जो ये आ रहा है ये कितना आएगा वन आएगा तो इस वाले केस में हमारे पास इसी वैल्यू क्या आ जाएगी फाइव आ जाएगी तो ये हमारे पास क्या स्टूडेंट एल पी एफ की वैल्यू आएगी राइट सो दिस इज कॉल्ड लोअर डार क्लियर है so, स्टूडेंट में बताना चाहता हूँ लोअर डार्क में इनफीमा लिया जाता है अगर बात बात करें अपर डार्क तो उस वाले केस में हमारे पास मैक्स सुप्रीमा में लिया जाता है राइट

तो इस वाले केस में हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे थ्री होगी और इस वाले केस में कितनी होगी फोर होगी राइट तो इसका एम थ्री होगा और इसका एम क्या होगा हमारे पास फोर होगा राइट तो हम जानते हैं एम वन डेल वन प्लस एम टू डेल टू हो जाएगा तो कैपिटल एम वन हमारे पास थ्री है और इसकी जो डिस्टेंस है डेल वन वो थ्री हो जाएगा और यहां पे फोर इंटू वन सॉल्व करेंगे हमारे पास थर्टीन आएगा तो सुन ये हमारे पास क्या आएगा अपर डार्क की वैल्यू आएगी अगर मैं इसी एग्जाम्पल को ऐसे ले लू राइट मान लीजिए हमने तीन पार्टीशन ले लिया कितने पार्टीशन ले तीन ले लिया है ना ये हमारे पास टू आ गया ये हमारे पास थ्री आ गया और हमारे पास फोर आ गया है ना पार्टीशन हमने ये ले लिया राइट तो उस वाले केस में हमारा जो एम एस की वैल्यू होगी उस वाले केस में हमारे पास एस की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी स्टूडेंट एस इज इक्वल टू हमारे पास होगा एम सॉरी कैपिटल होगा यहाँ पे है ना एस की जो वैल्यू होगी हमारे पास क्या होगी कैपिटल एम वन डेल वन है ना प्लस एम टू डेल टू एंड प्लस एम थ्री डेल थ्री हो जाएगा राइट तो सुन एम वन है ना तो फर्स्ट वाले केस में अगर हम बात करेंगे तो एम वन तो ये टू आएगा है ना ठीक तो है ना इसका फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी इस इंटरवल में टू आएगी राइट तो टू आएगा इन टू डेल वन इसका डिफरेंस इसका डिफरेंस कितना आ रहा है क्लियर है है ना प्लस एम टू तो इस वाले इंटरवल में इसका एम टू जो आएगा वो थ्री आएगा है ना क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू राइट है ना थ्री एंड इसका जो डेल टू है सुन इसका डिफरेंस कितना आएगा वन आएगा राइट तो ये वन आ जाएगा प्लस इसमें इस वाले मे इंटरवल में इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कितनी आएगी फोर आएगी और उसका डिफरेंस वन आएगा राइट तो क्या होगा स्टूडेंट फोर इंटू वन हो जाएगा क्लियर है तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा फोर प्लस थ्री प्लस फोर हो जाएगा यहाँ पे तो स्टूडेंट हमारे पास वैल्यू क्या आएगी आठ और तीन ग्यारह तो ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा मैं आपको फिर से क्लियर करके बता दूँ स्टूडेंट ये हमारे पास होगा एम वन डेल वन तो यहाँ पे हमारे पास इसकी जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है टू आ रही है, है ना और यहाँ से हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो कितनी होगी हमारे पास इसका जो डिफरेंस आ रहा है टू आ रहा है और यहाँ से हमारे पास जो मैक्सिम हो रहा है वो टू हो रहा है हमारे पास इस हिसाब से यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो वन आ रही है है ना और ये हमारे पास सुप्रीमा थ्री हो रहा है है ना इस हिसाब से एम थ्री जो है वो हमारे पास फोर आ रहा है और यहाँ से इसकी डिफरेंस कितना आ रहा है वन आ रहा है तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से इसकी जो अपर डार्क बॉक्स इनकी वैल्यू आएगी वो हमारे पास कितनी आएगी इलेवन आएगी है ना तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो मुझे लगता है स्टूडेंट आपको ये जो मैंने बढ़ाया है कॉन्सेप्ट ये आपको समझ में आया होगा और समझ में आया तो मुझे ज़रूर बताइए कि कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे कंटेंट और लास्ट में मेरे जो वीडियोस हैं ये आप यहाँ पे देख सकते हैं सुनिए जनरल एप्टीट्यूड की प्लेलिस्ट है जो मैंने नए वाले चैनल पे अपलोड कर करके और ये मेरा रियल आसिस का प्लेलिस्ट है जो मेरे पुराने वाले चैनल पे जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके अंदर कंटेंट है और ये दोनों मेरे चैनल है ये मेरा नया चैनल है मेरा पुराना चैनल और सुन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने अभी एक टेलीग्राम ग्रुप स्टार्ट किया मैथ्स बाय जीपी सर है ना तो आप वहाँ पे जाके चैनल है तो वो ज्वाइन कर लीजिए वहाँ पे मैं हर वीडियो पे जो भी पढ़ा रहा हूँ उन पर क्विजेज़ में आ, स्टार्ट किए तो वीडियो देखिए और क्विज़ दीजिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो राइट सो थैंक यू सो मच और कैसी लगी क्लास कमेंट करके ज़रूर बताइए लाइक करिए शेयर करिए और ज़रूर सब्सक्राइब करिए धन्यवाद बाय